साल 2019 में सरकार ने हर घर नल योजना शुरुआत की थी। मकसद था गांव में जल आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण कर हर परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। इसके लिए लक्ष्य साल 2024 की समय सीमा तय की गई, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हालत यह है कि घरों पर नल लगना तो दूर, पीने के पानी के लिए महिलाओं को 2 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ रहा है। आगर मालवा से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। अरे चोर बने जगो ब्या मंडत में आया रिजो, मारे नहीं थे मामे रारियों से मंडत में आया रिजो, मारे नहीं थे मामे। ये चार अलग अलग चेहरे हैं, लेकिन हर सुबह इनकी हालत एक सी होती है। पीने के पानी का इंतजाम वो भी करीब 1 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाई करने के बाद। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिला मुख्यालय से करीब 13 किलोमीटर दूर पायरी गांव की हैं, जहां 70 साल की उम्र में शामूबाई रोजाना पानी के लिए यही संघर्ष करने को मजबूर हैं। कुएं का पानी बेहद गंदा और बच्चों को बीमार करने वाला है। पानी जो देखा मैंने अभी आपने जो कुएं में से काफी गंदा है, ये तो किसको कैसे पीते फिर? अबे क्या करा, मन मान के पीनो पड़े, क्या करा, पानी नहीं हो तो पीनो पड़े, क्या करा, तरसन लागे तो पानी भी गंदा पीना पड़े, गंदा पानी से बासन भी मांजना पड़े, गंदो पानी हो तो उनसे भी नानो पड़े, बताओ। नाबालिग सपना की 6 साल की छोटी बहन कुएं से पानी भरने के दौरान करीब साल भर पहले जान गंवा बैठी, लेकिन सपना का संघर्ष वही है। छोटी वाली बहन 7 हो गई। कैसे? कुआ में पड़ के पानी भरने गई थी तो कुआ में गिर के? हाँ, कुआ में गिरी। कितना उम्र था उनका? वह हो गया 5-6 साल की। 5 साल की ज्योति गुड़िया से खेलने के बजाय 2 छोटे भाइयों के साथ पीने के पानी की पूरी जिम्मेदारी संभालती है, क्योंकि माँ शकुंतला 8 महीने पहले कुएं में गिरकर दुनिया छोड़ गई। आपको भी याद आता है मम्मी का? आता है। तो फिर आपको डर नहीं लगता जब कुएं में पानी भरने जाती हो तो? लगते जाते हैं। डर लगता है? 8 साल के कुणाल छोटे घड़े से कुएं में पानी भरने के लिए आए हैं। ख्वाब डॉक्टर बनने का है, लेकिन कई बार स्कूल छूट जाता है। टीचर बनने का सपना लिए ममता भी इसी संघर्ष में है। पानी भरने आते हैं, फिर स्कूल का आधा समय हो जाता है, फिर कैसे जाए स्कूल? अच्छा, तो उसमें आपका क्लास वगैरह छूट जाता है क्या? छूट जाता है। कितना दूर स्कूल है आपका, कैसे जाती हो आप, क्या दिक्कत आती है? हमारी 9 किलोमीटर दूर स्कूल है, पर जाते नहीं है, फिर पानी भरने जाते। क्यों नहीं जाते हो? बस निकल जाती है। बस निकल जाती है। सरकारी स्कूल में भी आलम यह है कि टंकी लग गई, लेकिन पानी की किल्लत बरकरार है। अब बोरिंग में पानी नहीं है तो पानी कहाँ से आ गया स्कूल में? बोरिंग में पानी नहीं है, 5-2 मिनट भी नहीं चलती है बोरिंग तो। हाँ। बस खाली आती है, जब का मार के वापस पानी गायब, पानी नहीं है, कहाँ से पिएगा बच्चा बच्ची? विभाग के अधिकारियों के अपने दावे हैं, लेकिन ग्रामीणों को पीने का साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा, इस पर सब खामोश हैं। गंदा पानी पी रहे हैं सब कुएं का, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स नहीं? जैसे हमने उसमें क्लोरीन भी वहां पर भिजवा चुके हैं, गंदा पानी नहीं रहेगा, इधर हाइपोक्लोराइड डाल करके वो पानी पीते हैं तो पानी शुद्ध होगा। और वहां पर हम लोगों ने करीब 216 बोतल पानी की उसकी हाइपोक्लोराइड की भेज चुके हैं। मध्य प्रदेश में साल 2020-21 में ही करीब 20 लाख नल कनेक्शन देने का सरकारी दावा है। योजना में कहा गया नल जल से जीवन स्तर में सुधार होगा, पानी लेने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होगी, 55 लीटर प्रति व्यक्ति को पीने के पानी की उपलब्धता मिलेगी, खर्च में केंद्र और राज्य सरकार की 50-50% की भागीदारी होगी। लेकिन हकीकत ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। सरकार के दावे और हकीकत के बीच में एक लंबी खाई है, जिसे पाटने की बेहद जरूरत है ताकि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन के साथ जफर मुल्तानी, NDTV। और अब भोपाल का ही रियलिटी चेक कर लेते हैं। भोपाल में 231 ग्राम पंचायत है, 68 गाँव में नल योजना पर काम हुआ है, 107 गाँव में अभी भी इंतजाम राम भरोसे है। सरकार का दावा है कि साल 2025 तक ये सारा काम पूरा हो जाएगा।